वरदान दिया। ये स्थान का नाम संकर्षण कुंड है। संकर्षण कुंड इसलिए नाम पड़ा, धन्यवाद, संकर्षण कुंड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो राधा कुंड श्याम कुंड ना, हम लोग जो परिक्रमा दूसरी परिक्रमा में राधा कुंड श्याम कुंड में, वहाँ पर कृष्ण और बलदेव प्रभु होली खेल रहे थे। एक दैत्य था जिसका नाम था शंखचूड़। उसने देखा गोपियाँ तो बड़ी सुंदरी है, बड़ी प्यारी गोपियाँ। इतने में वो दैत्य ने उन्होंने खदेड़ते थे उसने जब भगा करके ले गए। इतने में बलदेव प्रभु बोले, बोले कन्हैया तुम तो देखते रहो, मैं इसको देखता हूँ। उनको भगा तो बलदेव प्रभु यहीं पर लाए, और यहीं पर ला करके जो दत्त था ना शंकरचूर दत्त को उन्होंने पकड़ करके वहीं पर उन्होंने खत्म कर दिया। जब मार दिए उसको पास में एक समंत का मणि था, उन्होंने वो मणि को छीन लिया, लेकर के उन्होंने डायरेक्ट राधा रानी को नहीं दिया, वो मणि को उन्होंने दे दिया श्री बलदेव प्रभु श्री कृष्ण कृष्ण के हाथ में दिए। कृष्ण ने क्या किया कि सखी के सखी ने श्री राधा रानी को पहना दिया। इसलिए ये कुंड का नाम है संकर्षण कुंड, इसका नाम है। और देखो पर्वत ऊपर देखो गिरिराज पीछे, देखो गिरिराज, ये जो गिरिराज पीछे यहीं पर उन्होंने गोपाल जो माधवेंद्रपुरी ने जो गोपाल जी को प्रकट किया बैल ठाकुर जी, वही पर्वत ऊपर देखो वहाँ पर मंदिर है, वो मंदिर के ऊपर में थे। यहीं पर श्री माधवेंद्रपुरी ने एक महीना तक उन्होंने जो गोपाल जी को प्रकट किया, एक महीना तक उन्होंने यहीं पर उत्सव किया। एक महीना तक मथुरा से बड़े बड़े सेठ लोग आते थे, यहाँ पर रोज प्रसाद होता था और रोज यहाँ प्रसाद सबको खिलाया करते थे, और गोपाल जी को यहीं पर उन्होंने प्रकट किया था। इसलिए इसको पास में गौरी कुंड है। गौरी मतलब किसके थे, गौरी मतलब माता देवी, शंकर और गौरी। यहीं पर चंद्रावली एक सखी थी हैं, वो रोज रोज यहाँ पर आती थी गौरी पूजा की बहाना करके, लेकिन गौरी पूजा बहाना नहीं, इसलिए आती थी कृष्ण से मिलने के लिए यहीं पर हुए आया करती थी। इसलिए यहाँ पर जितने स्थली आप जहाँ जहाँ आप देखोगे जो जो नाम इनका है ना, कृष्ण जैसे जैसे लीला की वो लीला के अनुरूप सब नाम पड़ा हुआ है, सब सब नाम पड़ा हुआ लीला का अनुरूप। बुझ पा सकते हो, कृष्ण जेखने जेखने जे रकम लीला करे वही लीला अनुरूप सब नाम बोलो, वही लीला अनुरूप नाम पड़िया इतने हमारा खाने जेखने सी गिरिराज की गिरिराज समस्त इच्छा को समस्त इच्छा गिरिराज पूर्ण करे। इस गुरुदेव सावधान कर देते ने बोले शांता जी को ना कामना वासना चाय बिना गिरिराज का छे, केवल तार सेवा टुकु तार भक्ति चाहिए, कहना भगवान भक्ति पहले सब कुछ पा हो जाएगा। जने कृष्ण प्रेम है, कृष्ण तीन तुम्हारा हो गए, जने कृष्ण तुम्हारा हो गए सब तो पिए गए अलग हम चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे कि गिरिराज तो सब इच्छाओं को पूरी करते थे, लेकिन गुरुदेव सावधान करते थे बोले साधारण चीज गिरिराज से प्रार्थना मत करना, प्रार्थना केवल भक्ति उनकी सेवा प्रार्थना करो। अगर भगवान का भक्ति अगर मिल गया तो भगवान तुम्हारी वशीभूत हो गए। जब भगवान तुम्हारी वशीभूत हो गए, विश्व ब्रह्मांड का मालिक सब कुछ तो अपने आप तुमको मिल ही जाएगा। इसलिए अलग रूप में उनसे कोई चीज मांगने का जरूरत नहीं, केवल भक्ति प्रेम उनकी सेवा ही गिरिराज से प्रार्थना करनी चाहिए। गौर प्रेम।